मित्रों, खटोत्कच और मौरवी के पुत्र बर्बरीक, जिन्हें लोग बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, जिनके तीन अचूक बाण कौरवों और पांडवों की सेना का खात्मा कर सकते थे, लेकिन क्या है इतने शक्तिशाली वीर की कहानी जिसे खुद कृष्ण जी ने एक नई उपाधि दी थी। मित्रों, स्कंद पुराण की माने तो भीम पुत्र खटोत्कच ने प्रतियोगिता जीती थी, इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने दैत्यराज मुर्रा की बेटी मौरवी से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के घर में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया था, जिसके बाल एकदम बब्बर शेर जैसे थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया था। उस बालक के अंदर दादा भीम और दादी हिडिंबा जैसी मायावी शक्तियां थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत तेज और शरीर से वो काफी बलवान था। बहुत सी कहानियों में बताया जाता है मित्रों की बर्बरीक बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। उसे हर बात हर चीज जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। अपने पुत्र की शक्ति जानकर घटोत्कच उसे अपने साथ द्वारिका श्री कृष्ण के पास ले गया और कहने लगा, हे मुरलीधर, आपके पास तो सबकी परेशानी का हल होता है, आप मेरी भी मदद कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, बताओ घटोत्कच, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? कान्हा की बातें सुनकर वह बोला, मेरा बेटा बड़ा ही शक्तिशाली और बुद्धिमान है। इसमें सारे अच्छे गुण हैं जो किसी एक योद्धा में हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात को जानने की इच्छा बहुत रहती है। इसकी ये जिज्ञासा मैं कैसे शांत कराऊं? आप ही बताइए प्रभु, आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। अब ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मुझे तुम्हारे पिता भीमसेन पसंद है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए प्रिय हो घटोत्कच। तुम अभी बर्बरी को लेकर गुरु विश्वसित सेन के शरण में जाओ, वही तुम्हें इस बालक की जिज्ञासा के विषय में उपाय बताएंगे। जिसके बाद भगवान वासुदेव से विदा लेकर वह दोनों गुरु विश्वसित सेन के आश्रम पहुँचे और गुरुदेव को सारी बात बताई। फिर गुरुजी के कहने से घटोत्कच अपने बेटे बर्बरीक को वहां पर छोड़कर चला गया, जिसके बाद बर्बरीक ने वहां रहकर अस्त्र शस्त्र और वेदों का ज्ञान हासिल किया। लेकिन इतना सब सीख लेने के बाद भी उसके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब गुरु विजयसित सेन ने पूछा, क्या हुआ बर्बरीक, तुम अभी भी शांत नजर नहीं आ रहे? जिस पर उन्होंने बोला, गुरुदेव, मैं कैसे काल में जन्मा हूँ जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी योद्धाओं ने जन्म लिया है। हर किसी ने कोई स्थान पर अपना लोहा मनवाया है, लेकिन मेरा जन्म किस लिए हुआ है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मेरे पास तो कोई ऐसी दिव्य शक्ति या अस्त्र नहीं है जो मुझे उनका वंशज बनाती हो। बर्बरीक की बातों को सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत तो केवल जगत जननी यानी कि देवी दुर्गा ही कर सकती हैं। जाओ और सच्चे मन से उनकी तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर वो माता दुर्गा के मंदिर में चले गए और वहां पर घोर तपस्या में लीन हो गए। जिसके बाद बर्बरीक ने कई सालों तक देवी दुर्गा की तपस्या की। उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की थी कि देवी दुर्गा को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। देवी माँ ने प्रकट होते ही कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। माता दुर्गा की बात सुनकर बर्बरीक ने उनसे कहा, हे माँ, आप मुझे ऐसी शक्तिशाली तीर वरदान में दे दीजिए जो अर्जुन के तीरों की तरह अचूक हो और मेरे दादा भीम की तरह बलवान हो। मुझे ऐसे अस्त्र का वरदान दीजिए जो आज से पहले कभी किसी के पास ना हो और मेरे बाद भी वो किसी को ना मिले। जिस पर मित्रों देवी दुर्गा ने कहा, तथास्तु, और वहां तीन अचूक बाण आ गए। उन बाणों को लेकर बर्बरीक बहुत खुश हुए और उन बाणों को लेकर वो सबसे पहले अपनी माता के घर पर गए। बड़ी ही खुशी के साथ बोले, माँ, इतने सालों से मैं जिस जिज्ञासा को लेकर परेशान था आज वो दूर हो गई। अब मैं अपने आप को पांडवों के परिवार का ही मानता हूँ। ये तीन बाण देवी दुर्गा ने मुझे वरदान दिए हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मौरवी बोली, बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, वचन दो हमेशा कमजोरों के ही पक्ष में युद्ध लड़कर उनका साथ दोगे। फिर बर्बरीक ने अपनी माता को बिना सोचे समझे ये वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत की लड़ाई में भाग लेने के लिए निकल गए। इधर महाभारत युद्ध को लेकर पांडव चिंता में थे, क्योंकि उनके पास कौरवों के मुकाबले बहुत ही कम सेना थी। तभी वहां पर बर्बरीक आ पहुंचे और उन्होंने अपने से बड़े सभी को भरोसा दिलाया कि अकेले बल और तीन दिव्य बाणों से वो शत्रु की सेना का खात्मा कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात की खबर मिलती है तो वो बर्बरीक को परखने के लिए उसके पास जा पहुंचे और बोले, पुत्र बर्बरीक, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये जानना चाहता था कि वो कौन सा योद्धा है जो अकेले ही युद्ध को समाप्त कर सकता है और वो भी कितने समय में। भगवान आगे बताते हैं मित्रों, युद्ध को गंगा पुत्र भीष्म पितामह 20 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में खत्म कर सकते हैं। प्रभु की बातें सुनकर बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु,
मैं किसी भी योद्धा को अपने से कम नहीं समझ रहा हूँ। सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं कोई भी युद्ध या शत्रु हो उसे अपने इन अचूक बाणों से पल भर में खत्म कर सकता हूँ। कृष्ण जी पूछते हैं, और वो कैसे? तब बर्बरीक कहते हैं, मुझे ये तीन दिव्य बाण देवी दुर्गा से प्राप्त हुए हैं प्रभु। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। दूसरा बाण उन अंकित निशानों को भेद देता है। तीसरा इस्तेमाल करते ही सब तहस नहस हो जाएगा। कान्हा ये सब सुनकर चौंक जाते हैं, और उधर जैसे ही दुर्योधन को इस बात का पता चलता है तो वो और कर्ण उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बर्बरीक ध्यान में बैठे हैं, तो दुर्योधन इस पर हमला करने लगते हैं। अब ये सब देखते हुए कर्ण उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, किसी को भी इस हालत में मारना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो तो निहत्ता है। पांडवों को तो मित्रों बर्बरीक की शक्ति जानकर बड़ी खुशी थी, लेकिन श्री कृष्ण को उसके वचन की चिंता थी जो उसने अपनी माता को दिया था। वहीं युद्ध के समय बर्बरीक दोनों खेमों के बीच में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जिसकी हार हो रही होगी। बर्बरीक की इस बात से श्री कृष्ण थोड़ा डर गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब अर्जुन और कान्हा बर्बरीक के सामने उसकी वीरता का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित हुए, तब उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया था। उसका परिणाम देखने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, ये जो पेड़ है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। फिर बर्बरीक ने माधव की आज्ञा लेकर तीर को पेड़ की तरफ छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेदता जा रहा था, उसी समय एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा था, जिसे कृष्ण जी ने ये सोचकर अपने पैर के नीचे दबा लिया कि ये भेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को भेदता हुआ वो तीर मुरलीधर के पैरों के पास आकर रुक जाता है। ये देखकर बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक का इस तरह का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण जी के मन में सवालों के भवन उठने लगे थे। वासुदेव जी को लगा कि अगर युद्ध में कौरवों की हार होने लगी तो फिर पांडवों के लिए ये संकट की बात होगी, और अगर जब पांडव बर्बरीक के सामने हारेंगे तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह से वो दोनों तरफ से सेना को एक ही तीर से खत्म कर सकता है। इस मुसीबत का रास्ता निकालने के बाद माधव ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर और सुबह ही बर्बरीक के खेमे के द्वार पर दान मांगने के लिए पहुंच गए। जब बर्बरीक को सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए तो उसने ब्राह्मण को पहले प्रणाम किया और बोला, हे ब्राह्मण राज, बताइए आपको क्या चाहिए, ये सेवक आपकी हर बात पूरी करने के लिए कोशिश करेगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम मुझे नहीं दे सकोगे। ये सुनने के बाद भी घटोत्कच पुत्र बर्बरीक बोले, आप एक बार मांग कर तो देखिए ब्राह्मण राज, अगर आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं आपको वो बड़ी ही प्रसन्नता से देने को तैयार हो जाऊंगा। अब मित्रों बर्बरीक के इतना कहते ही भगवान ने उसका शीश दान में मांग लिया। जैसे ही वीर बर्बरीक अपना सिर देने के लिए तैयार हुए, वैसे ही कान्हा अपने रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद बर्बरीक ने अपने से बड़े पांडवों के जीत के लिए अपना सिर श्री कृष्ण को दान में अर्पित कर दिया। कान्हा बर्बरीक की इस तरह की दानवीरता को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया था कि हे पराक्रमी पुत्र बर्बरीक, जिस सिर को तुमने मुझे आज दान में दिया है, कलयुग में इस शीश को लोगों द्वारा पूजा जाएगा। तभी से मित्रों कलयुग में बर्बरीक के उसी शीश को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। वैसे तो आज के समय में खाटू श्याम के कई मंदिर बन चुके हैं और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। मंदिर की बनावट आज के हिसाब के पत्थर, चूने के मोर्टार और टाइल्स जैसे कई तरह के पत्थरों से किया गया है। मंदिरों के बीच में पूजा कक्ष है, जिसे जगमोहन कहा जाता है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर पुरातन काल की कलाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर जाने और बाहर का दरवाजा श्वेत संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ही आलू सिंह नाम के व्यक्ति का समाधि स्थल भी बना हुआ है। वहीं बाबा खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में है। इतना ही नहीं, मंदिर के सभी दीवारों को सोने की चादरों के जरिए सजाया गया है। इस परिसर में ही आपको एक सुंदर सा बगीचा देखने को भी मिलता है, जो श्याम बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में पूजा करने के लिए और मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से मिल जाते हैं। इसके साथ ही मंदिर में ही श्याम कुंड स्थित है, जहां पर प्रभु का ये शीश मिला था। मान्यता है मित्रों, इसमें डुबकी लगाने से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर के करीब ही माता पार्वती, शिव जी और श्री कृष्ण के दो और मंदिर भी हैं। अगर आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी का ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है।
ऐसे में गर्मी के मौसम में वहां पर जाना किसी के लिए सही नहीं होता, क्योंकि गर्मी के मौसम में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान काफी बढ़ जाता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च का महीना यहां पर अच्छा और घूमने लायक होता है, इसलिए इस समय भक्तों की यहां पर भीड़ लगी रहती है। तो मित्रों, आपने जाना कि वीर परपरीक से कैसे मिली खाटू श्याम जी की उपाधि। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।